आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके जैन के मार्गदर्शन में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने व वाहन चोरी की पतासाजी करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक सतना के निर्देश में थाना प्रभारी सिंहपुर के साथ टीम गठित किया गया था, जिसके बाद टीम द्वारा 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 22 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पकड़े गए वाहन चोर रीवा सतना सीधी में बाइक चोरी करते थे। कार्रवाई को लेकर बताया गया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है, जिसके बाद टीम ने दबिश देकर चिराग उर्फ पवन साकेत निवासी टिकुरी टोला को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो आरोपी ने अपराध स्वीकार कर बताया कि मैं और मेरा दोस्त संजय चौधरी एवं हरीश साकेत मिलकर सतना रीवा एवं सीधी जिला में जाकर मोटरसाइकिल चोरी करते थे। फिर अपने साथी सागीर अली, अजमत अली, जसपी साहू, महेंद्र कुशवाहा, संदीप पांडे व साहिल यादव को बेचने के लिए दे देते थे। हम सब मिलकर मोटरसाइकिल की पहचान बदलने के लिए नंबर प्लेट बदल देते थे तथा इंजन व चेचिस नंबर मिटा देते थे और कुछ गाड़ियां व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 22 मोटरसाइकिल अलग अलग स्थानों से बरामद की है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोलगवां डीपी सिंह चौहान, थाना प्रभारी कोतवाली एसएम उपाध्याय, थाना प्रभारी सिविल लाइन संदीप चतुर्वेदी, थाना प्रभारी सिंहपुर विजय त्रिपाठी सहित उनकी टीम और साइबर सेल उप निरीक्षक अजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक दीपेश पटेल, विपेंद्र मिश्रा, आरक्षक अजीत मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनपुट के आधार पर इन्होंने सबसे पहले एक आरोपी को चिराग पवन साकेत को अदालत में, इसके बाद एक डेडिकेटेड टीम लगाई गई। डेडिकेटेड टीम का नेतृत्व सीएसपी साहब कर रहे थे, अजीत सिंह चौहान, थाना प्रभारी कोलगवां, थाना प्रभारी सिविल लाइन। विशेष रूप से क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक में भी रहे हैं और थाना प्रभारी सिंह फील्ड में अच्छा काम है, इनको लगाया गया था। साइबर की टीम लगातार